तो चलो भाई साहब, फाइनल बात करने वाले चेंगी इस मूवी के एडवांस बुकिंग के बारे में, और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे पहले जितने भी हमने एडवांस बुकिंग के बारे में आप लोगों को बताए, वो शो काउंट, ऑक्यूपेंसीज, इन सभी चीजों के बारे में बताए, लेकिन एग्जैक्टली टिकट कितने सोल्ड आउट हुए हैं और किन किन जगह से कितने रुपीज का अब तक कलेक्शन आया है, डे वन डे टू क्या सीन चल रहा है, उसके बारे में नहीं बताया। तो फाइनली चेंगी इसके एडवांस बुकिंग का रिपोर्ट आ चुका है और एक साथ 3 दिनों का एडवांस बुकिंग आया है। पहले तो 1 दिन का नहीं आ रहा था, अभी 3 दिनों का एक साथ आया है। तो बात करेंगे कितना एडवांस बुकिंग हुआ है पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, कितना टिकट सोल्ड हुआ है और कितना कलेक्शन किया है, जानने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल के दिन चेंगी सभी सिनेमा घरों के अंदर दस्तक देने जा रहा है, लेकिन उससे पहले जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा नजर डाल। तो शुरुआत करते हैं डे वन से। तो चेंगी अपने डे वन के अंदर 18 लाख का एडवांस बुकिंग कर चुका है। टिकट्स की बात करें तो 7480 टिकट्स यहाँ पे अब तक सोल्ड किए, और जिन जगहों से किया गया है वो है कोलकाता, पटना, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे। इन सभी जगह से ये डे वन का एडवांस बुकिंग का कलेक्शन निकला है। काफी सारे लोग ये भी कह सकते हैं भाई डे वन के अंदर मात्र 18 लाख का कलेक्शन, ये भी कुछ कलेक्शन हुआ भला। तो भी देखो यार, इस कलेक्शन को मैं छोटा कलेक्शन तो नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा? पहला रीजन है इसमें का बजट, एक लिमिटेड बजट के ऊपर बनाया गया मूवी, और इससे आप लोग और कितना ही ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक नॉर्मल बजट मूवी के अंदर, एक छोटे से बजट मूवी के अंदर। और ऐसे जितने भी और मूवीज होते हैं उसके अंदर यही दिखाया गया है कि एडवांस बुकिंग से ज्यादा जो वर्किंग ऑडियंस होते हैं, डायरेक्टली थिएटर में जाके टिकट खरीद के देखती है, उनका संख्या बहुत ज्यादा होते हैं। तो अभी मेरे हिसाब से ये जो कलेक्शन निकल के आ रहा है ये लगभग सही है। तो बात करते हैं डे टू की। तो डे टू के अंदर 12 लाख का कुल एडवांस बुकिंग का कलेक्शन करता हुआ नजर आ रहा है। डे थर्ड की बात करें, संडे की बात करें, तो 20 लाख का कलेक्शन करता हुआ नजर आ रहा है। इसको अगर टोटल मार दे तो 50 लाख अपने 3 दिनों के अंदर चेंगिस एडवांस बुकिंग के माध्यम से कलेक्शन करता हुआ नजर आ रहा है। यानी अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा नजर डालो तो पहले दिन 18 लाख, दूसरे दिन 12 लाख यानी थोड़ा सा गिरावट, और तीसरे दिन थोड़ा सा जंप लेके 20 लाख करता हुआ नजर आ रहा है। तो पहले दिन यानी कल ही रिलीज हो रहा है तो इसको छोड़ी तो 18 लाख का ही हो सकता है, दूसरे दिन करे तो अभी भी टाइम है तो ये 12 लाख 15 भी हो सकता है, और तीसरे दिन संडे की बात करें अभी 20 लाख का एडवांस बुकिंग हो रहा है, आने वाले टाइम में हो सकता है 20-25 भी हो या फिर 30 भी हो सकता है अगर क्रेज उस हिसाब से देखने को मिलता है। तो ये जो टोटल यहाँ पे अभी रेडी हुआ है 50 लाख का, ये 60-70 भी जा सकता है, 80 के करीब भी ये जा सकता है। आप लोग इस विषय में क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता सकते हो। इसके हिसाब से अगर देखे तो एडवांस बुकिंग अगर 70-60 के करीब आ तो भाई पहले दिन का कलेक्शन आप लोग आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। दोनों लैंग्वेज को मिला के 2 से लेकर 2.5 करोड़ का कलेक्शन तो ओपनिंग आराम से माने वाला। तो अगर कैसे भी करके ये मूवी 2.5 करोड़ या फिर 3 करोड़ का कलेक्शन कर लेता है तो इस मूवी के लिए काफी पॉजिटिव साइन होने वाला है, और अगर नहीं भी होता है 1 करोड़ या फिर 1.5 करोड़ का ओपनिंग लेता है तो भी उतना ज्यादा खराब नहीं होने वाला। खाली इतना है कि इसमें क्या स्टोरी अच्छा होना चाहिए। अगर स्टोरी सब कुछ कंटेंट मस्त हो गया, निकल गया, ऑडियंस को ये पसंद आ गया तो पहले दिन कैसे भी स्क्रीन से उसको क्यों ना मिले, कम कलेक्शन थोड़ा हो भी जाए तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मूवी का कहानी कंटेंट सही हो गया, ऑडियंस को पसंद आ गया, तो भाई साहब ये मूवी लंबे रेस का घोड़ा बनने वाला है। धीरे धीरे इसको स्क्रीन भी मिलेंगे और ये कलेक्शन करता जाएगा जो कि बाकी मूवीज करते आ रही है। जितने भी बार पैन इंडिया फिल्म है अगर उसके कहानी कंटेंट में दम होता है तो वो निकल जाता है, अगर इसके साथ भी वैसा होगा तो ये भी आराम से निकल जाएगा। धीरे धीरे निकलेगा लेकिन निकलेगा जरूर ना। तो मिलते आप लोगों से कल रिव्यू के साथ, कैसा मूवी है, क्या क्या चीजें हैं बात करेंगे, तो चैनल से जुड़े रहना। मिलते आप लोगों से कल रिव्यू के साथ, कोशिश करूंगा जल्दी रिव्यू डालने की, तो चैनल से जुड़े रहना। तब तक बाय, जय हिंद।